लाखों सालों से हमारे जीवन का चक्र चल रहा है। जहां से भी हमारे जीवन सृष्टि की शुरुआत हुई, हमें कई संकटों का सामना करना पड़ा। जीवन में कई उतार चढ़ाव हमने देखे। जीवन की हर उस पहलू को जानने की हमने कोशिश की। जीने के लिए हर वो चीज सीखी अनुभव से। गांव की चहल पहल। गांव का हर एक सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त है। लेकिन इसी गांव का एक छोटा सा सदस्य अपने नए घर की तलाश में है। मिलिए बसंता से, जिसकी नजरें फिलहाल इस सुंदर मादा पर है। लेकिन इस मादा को अपने प्यार के धागे में बांधना इतना भी आसान नहीं। इसके लिए बसंता को मादा को कई तोहफे देने होंगे, जिसकी शुरुआत उसको एक आलीशान महल से करनी होगी। कॉपरस्मिथ बारबेट को हिंदी में छोटा बसंत और मराठी में तांबट कहते हैं। ये पंछी आकार में 15 सेंटीमीटर के होते हैं। वजन में 30 से 50 ग्राम वाला यह पंछी भारत उपमहाद्वीप के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। ये यहाँ के स्थायी निवासी है। नर और मादा दिखने में लगभग एक समान ही होते हैं। इनका प्रजनन काल नवंबर से फरवरी के बीच होता है। जो दिखने में हरा, जिसके माथे और छाती पर लाल रंग का धब्बा, गला और गाल पीला होता है। भारत में इस पंछी की 4 प्रजातियां पाई जाती है। यहां पर बसंता घर की तलाश में है। बसंता को अपने घोंसले के लिए किसी मृत हुए पेड़ की या किसी ऊंचे पेड़ के मृत हुए क्षितिज शाखा की जरूरत है। दिन भर की मशक्कत और ढेर सारी तलाश के बाद उसे सही शाखा मिल गई है। अब घर का काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन घोंसला बनाने के लिए कई हफ्ते लगेंगे। इसी बीच उसे मादा का भी तो ख्याल रखना है, क्योंकि यहां पर भी प्रतिद्वंदियों की कोई कमी नहीं है। एक और युवा छोटा बसंत की नजरें इसी मादा पर है। लेकिन बसंता को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। बसंता परेशान है और वो लड़ना चाहता है। दुश्मन ने हार मान ली, बसंता जीत गया। कई हफ्तों के मेहनत के बाद बसंता का घोंसला अब बन के तैयार है। अब अगला पड़ाव मादा को सहवास के लिए मनाना है। कभी पूंछ हिलाकर तो कभी अलग अलग अदाओं से मादा को आकर्षित करने की कोशिश बसंता कर रहा है। मादा को कई रसीले मीठे फल खिलाकर लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अपना दिल देने से पहले मादा घर का जायजा लेगी। अगर उसे घर पसंद आता है तो शायद कुछ बात बन सकती है। लगता है बात बन रही है। जीवन चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्यार की ये दो पल। उसके बाद बसंता के लिए एक संघर्षमय जीवन की शुरुआत होगी। कुछ हफ्तों के बाद लगता है मादा ने घोंसले में अंडे दिए हैं, जिनकी देखभाल
नर और मादा बारी बारी से करेंगे। लेकिन शांतिप्रिय जीवन में दुश्मनों की कोई कमी नहीं। एक गिलहरी घोंसले के ज्यादा ही नजदीक आई है। मादा थोड़ी सी क्या घर से बाहर निकली, गिलहरी ने तो घर में झांकना शुरू कर दिया। लेकिन मादा की सतर्कता से गिलहरी भाग गई। दूसरों के घर में झांकना भला किसको पसंद है, ये बात तो बसंता को भी खटकती है। लेकिन कुछ पड़ोसी है कि मानते ही नहीं। एक मैना शाखा पर आराम कर रही है, लेकिन बसंता इस मैना को भगाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है ये मैना उसके परिवार के लिए खतरा बन सकती है। कई छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बाद एक नन्ही सी प्यारी चोंच घोंसले से बाहर निकली, जिसकी मासूम आंखें पहली बार बाहरी जीवन देख रही है। यही जिज्ञासा इस नन्हे से बच्चे को सिखाने वाली है, दुनिया के साथ समझौता करना। लेकिन फिलहाल उसके लिए काफी वक्त है। बसंता और उसके मादा की जिम्मेदारियां अब कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि दोनों को अपने घोंसले के अंदर इंतजार कर रहे दो बच्चों के लिए खाना जुटाना है। नर और मादा बारी बारी से बच्चों को खाना खिलाते हैं। इस पक्षी के आहार में मुख्य रूप से फल होते हैं। उन्हें कई तरह के रसीले फल खाना पसंद है। कभी कभार आहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कीड़ों को भी ये खा लेते हैं। बच्चों को जब खाना खिलाया जाता है तब बच्चे फलों का रस चूस लेते हैं। बाकी बचा फलों का मलबा और अन्य गंदगी माता पिता द्वारा समय समय पर साफ की जाती है। अपने घोंसले के हिफाजत में बैठा बसंता आज कुछ परेशान लग रहा है। एक शिकारी पंछी घोंसले के बहुत नजदीक बैठा है। बसंता को डर है कि वह उसके बच्चों के लिए खतरा ना बन जाए। बसंता उससे लड़ नहीं सकता, लेकिन शोर करके उसे विचलित करने की कोशिश जरूर कर सकता है। लेकिन अचानक शिकारी पंछी वहां से भाग गया, क्योंकि उससे भी बड़े खतरे यहां पर मौजूद है। बंदरों के उछल कूद की वजह से बसंता के घर की आधी शाखा टूट गई। घर टूटने से बसंता को परिवार का एक सदस्य गंवाना पड़ा। डाली को जोर का झटका लगने से शायद एक बच्चा नीचे गिर गया। इस बच्चे के मौत का दृश्य हमें सिखाता है, इस जीवन चक्र में अगर किसी की मौत होती है तो उस मौत पर कई छोटे छोटे जीवों की निर्भरता टिकी रहती है। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है, एक बच्चा सुरक्षित है, जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई। बसंता और उसके जीवन साथी को अपने इकलौते बच्चे के जीवन के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करनी होगी जो उसे जिंदा रखे। कुछ समय बाद बच्चा घोंसले से बाहर दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो उड़ने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा और कुछ हफ्ते अपने माता पिता पर निर्भर रहेगा, जब तक वो उड़ने के लायक नहीं हो जाता। और जिस दिन वो आसमान छुएगा उस दिन से उसके जीवन का एक नया पर्व शुरू हो जाएगा। बसंता ने आदर्श पिता बनने की हर वो मुमकिन कोशिश की और अपनी जिंदगी में अनुभव का एक और पन्ना जोड़ दिया।
कुछ समय के लिए बसंता भले ही पारिवारिक चक्र से आजाद है, लेकिन हमारे सृष्टि के जीवन चक्र के इतने बड़े आदर्श का निर्वाह ये छोटा सा पंछी कितनी सहजता से करता है, ये हम इंसानों को जरूर सीखना चाहिए।